हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. दिस इज अनिलकेत शर्मा. वेलकम टू माय चैनल ओरेकल टेक इंडिया. और आज हम इस वीडियो लेक्चर में यूनिक्स के कुछ और इम्पॉर्टेंट कमांड्स को देखेंगे. तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं. बीजी कमांड. तो इस वीडियो लेक्चर में यूनिक्स का हमारे पास जो फर्स्ट कमांड है उसका नाम है बीजी कमांड. तो बीजी कमांड का मतलब बैकग्राउंड कमांड. तो आइए देखते हैं कि यूनिक्स में बैकग्राउंड कमांड का क्या यूज़ है. तो बिजी कमांड इज़ यूज टू प्लेस फोरग्राउंड जॉब्स इन बैकग्राउंड. तो कोई भी फोरग्राउंड जॉब्स को यूनिक्स में हम जो है बैकग्राउंड में ले जा कर के प्लेस कर सकते हैं. तो लेट सपोज यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे आपने कोई कमांड एग्जीक्यूट की है तो वो आपको विजिबल है. बट आप चाहते हैं, विजिबल है इसलिए वो फोरग्राउंड जॉब्स है, बट आप चाहते हैं कि वो जॉब जो है बैकग्राउंड में जा कर के अपना एग्जीक्यूट होती रहे, वो कमांड बैकग्राउंड में जा कर के अपना एग्जीक्यूट होती रहे. तो बैकग्राउंड में उस कमांड को, फोरग्राउंड जॉब्स को, फोरग्राउंड कमांड को बैकग्राउंड में ले जा कर के एग्जीक्यूट करने के लिए हम जो है बिजी कमांड को यूज़ करते हैं. तो यू कैन सेंड एन ऑलरेडी रनिंग फोरग्राउंड जॉब टू बैकग्राउंड. तो कोई भी ऑलरेडी फोरग्राउंड जॉब जो है वो रन कर रही है तो हम चाहते हैं कि नहीं वो बैकग्राउंड में रन हो. तो बैकग्राउंड में हम रन करने के लिए बिजी कमांड को यूज़ करते हैं. तो बिजी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो है हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट यू इनवोक द कमांड इन फोरग्राउंड. तो जो भी कमांड आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उस कमांड को आप पहले यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट कर ले. एग्जीक्यूट करने के बाद फिर आप प्रेस करें कंट्रोल प्लस जेड को प्रेस करें ताकि आपका वो जो करंट फोरग्राउंड जॉब है जो अभी आपने कमांड एग्जीक्यूट की है उसको स्टॉप करने के लिए, उसको रोकने के लिए कंट्रोल जेड कमांड को यूज़ करें और उसके बाद ले जा करके सीधे आप यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे बीजी टाइप करके एंटर प्रेस कर देंगे तो वो जो फोरग्राउंड जॉब जो है जिसको हमने कंट्रोल जेड से स्टॉप कर दिया था और बीजी कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद वो फोरग्राउंड जॉब बैकग्राउंड में जा करके जो है रन करने लग जाएगी. तो बिजी कमांड को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, तो यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके कोई भी आप मान लीजिए कमांड एग्जीक्यूट कीजिए. जैसे स्पेल एक कमांड है तो वो स्पेल कमांड को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. तो स्पेल कमांड क्या करता है कि इसके बाद एक फाइल का नाम देते हैं. तो मैंने दिया है UX tip 01. तो UX tip 01 नाम का एक मैंने फाइल दिया है और जो है स्पेल कमांड क्या करता है वो चेक करता है कि UX tip 01 नाम का फाइल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. अगर एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर मैंने जो है ग्रेटर देन का साइन लगाया है, रीडायरेक्ट करने का साइन लगाया है मैंने. तो ये क्या करेगा रीडायरेक्ट में कि जो ये पहली फाइल मैंने यहाँ पर दी है UX tip 01, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो इन्फॉर्मेशन रीडायरेक्ट कर देगा इस वाले फाइल में UX tip 02 dot spell नाम के फाइल में. ये क्या करेगा जो है रीडायरेक्ट कर देगा, इसमें डाल देगा. और M% का मतलब है कि स्पेल कमांड को मुझे एग्जीक्यूट करना है. तो M% लिख करके एंटर प्रेस करेंगे. एंटर प्रेस करेंगे तो फोरग्राउंड में क्या होगा कि स्पेल कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी और वो चेक करेगी कि UX tip 01 फाइल है या नहीं है. अगर है तो इस फाइल की इंफॉर्मेशन को उठा करके UX tip 02 dot spell नाम के फाइल में ले जा करके स्टोर कर देगी. और ये मैंने जो है स्पेल फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए लिखा है. तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा और देख लेते हैं. स्पेल कमांड क्या करता है, चेक वेदर डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट और नॉट. और
चेक करता है कि डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, मतलब UXTIP01 फाइल एग्जीक्यूट करती है, एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। और UXTIP01 क्या है, ये फाइल का नाम है, डॉक्यूमेंट का नाम है। और इस रिडायरेक्ट का मतलब क्या है कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट, यानी कि UXTIP01 फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन है उस फाइल के इंफॉर्मेशन को ये UXTIP02.spell नाम के फाइल में क्या करती है, रिडायरेक्ट कर देती है। तो ये जो है फोरग्राउंड में मैंने स्पेल नाम का कमांड एग्जीक्यूट करके एक फाइल को मैंने चेक करवा करके उसकी इंफॉर्मेशन को दूसरे फाइल में मैंने ट्रांसफ़र करने की कोशिश की है, बट ये फोरग्राउंड जॉब है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये काम जो है बैकग्राउंड में अपने आप होता रहे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस फोरग्राउंड जॉब को मैं बैकग्राउंड में ले जाऊँगा, फिर ये पीछे अपने आप ये कमांड रन होती रहेगी और UXTIP01 में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो धीरे धीरे करके UXTIP02 में अपने आप वो स्टोर करती रहेगी। तो ये फोरग्राउंड में ये कमांड रन हो रही है, तो अब मैं क्या करूँगा बैकग्राउंड में ले जाने के लिए, कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा। तो इससे क्या होगा, जो स्पेल वाली जो कमांड है इसको करंट रनिंग प्रोसेस बोलते हैं, ये सस्पेंड हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी, फोरग्राउंड जॉब जो है ये यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक जॉब कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक कर लूँगा कि मेरी जो फोरग्राउंड वाली जॉब है वो जॉब स्टॉप हुई है या नहीं हुई है। तो जॉब कमांड आपको शो करेगा कि जॉब दैट वी स्टॉप्ड, जिस जॉब को हमने स्टॉप किया है वो जॉब स्टॉप हो गई है। उसके बाद मैं यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे ले जा करके सीधे BG कमांड को लिख करके एंटर प्रेस करूँगा, तो वो जो फोरग्राउंड वाली जॉब थी स्पेल कमांड वाली, वो फोरग्राउंड प्रोसेस से सीधे वो बैकग्राउंड प्रोसेस में चली जाएगी और जा करके वो रन भी करने लग जाएगी, बैकग्राउंड में वो स्पेल कमांड अपने आप रन करने लग जाएगी। और चेक करना है कि रन बैकग्राउंड में वो कमांड स्पेल कमांड बैकग्राउंड में रन हो रही है नहीं हो रही है, वो चेक करने के लिए अगेन हम जॉब कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये शो करेगा कि आपकी जॉब जो है स्पेल वाली जॉब जो है स्पेल कमांड वाली जॉब जो है वो बैकग्राउंड में रन कर रही है। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है जॉब्स कमांड। तो आइए देखते हैं कि यूनिक्स में जो है जॉब्स कमांड का क्या यूज़ है। तो जॉब्स कमांड जो है इट इज़ यूज्ड टू सी ऑल द बैकग्राउंड जॉब्स। तो पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि फोरग्राउंड जॉब से हम बैकग्राउंड जॉब कैसे करते हैं। तो बैकग्राउंड में हमने जितनी भी कमांड एग्जीक्यूट की है या जितना भी प्रोसेस हमारा बैकग्राउंड में रन कर रहा है जो हमने फोरग्राउंड से बैकग्राउंड में किया है, तो बैकग्राउंड में कौन कौन से जॉब्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं उन जॉब्स को देखने के लिए जो है हमारे पास यूनिक्स में एक कमांड है जॉब्स कमांड। तो उस जॉब्स कमांड को यूज़ करके हम उसको देखते हैं। तो सिंपली आप यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके जॉब्स लिख करके एंटर प्रेस करेंगे, तो बैकग्राउंड में जितनी भी जॉब्स एग्जीक्यूट हो रही होगी, जितनी भी जॉब्स रन कर रही होगी, वो सब आपको आउटपुट के फॉर्म में शो कर देगा। जैसे एक जॉब रन हो रही है स्पेल वाली कमांड जो मैंने एग्जीक्यूट की थी फोरग्राउंड में और उसको मैंने बैकग्राउंड में कर दिया था, तो बैकग्राउंड में स्पेल वाली कमांड ये एग्जीक्यूट हो रही है तो ये रनिंग प्रोसेस में है बैकग्राउंड में, तो जॉब कमांड यहाँ पे शो कर रहा है कि ये कमांड बैकग्राउंड में रन कर रही है। और भी अगर कोई बैकग्राउंड प्रोसेस में कोई जॉब रन कर रही है तो उसकी भी डिटेल ये नीचे शो कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास कमांड FG कमांड, फोरग्राउंड कमांड। तो फोरग्राउंड कमांड में क्या होता है कि कोई भी जॉब्स जो बैकग्राउंड में रन कर रही है हम चाहते हैं कि उसको दोबारा फोरग्राउंड में ले आए, तो उसके लिए FG कमांड को यूज़ करते हैं। तो इट इज़ यूज टू ब्रिंग एनी बैकग्राउंड जॉब्स टू द फोरग्राउंड जॉब। तो किसी भी बैकग्राउंड जॉब्स को फोरग्राउंड में लाने के लिए हम FG कमांड को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे,
कि डॉलर यूनिक्स के डॉलर प्रॉम्प्ट पे जा करके एफजी को टाइप करेंगे और पहले नंबर वन बैकग्राउंड जॉब्स को वापस लाना है तो परसेंट वन करेंगे, तो ये क्या करेगा, परसेंट वन करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, ब्रिंग फर्स्ट जॉब टू फोरग्राउंड। तो बैकग्राउंड जॉब में जो पहली जॉब थी उस बैकग्राउंड में पहली जॉब को ये फोरग्राउंड पे ले आएगा। उसी तरीके से हम चाहते हैं कि दूसरा वाला जो बैकग्राउंड जॉब है वो फोरग्राउंड हो जाए, तो यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे ले जा करके एफ जी टाइप करेंगे और परसेंट टू लिखेंगे तो दूसरे बैकग्राउंड जॉब को फोरग्राउंड में ले आएगा। उसी तरीके से जो है एफ जी कमांड टाइप करके परसेंट शॉर्ट लिख करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, वो जॉब शॉर्ट जॉब जो बैकग्राउंड में वो जॉब जो शॉर्टिंग हो रही थी, किसी भी कमांड एक शॉर्ट कमांड मैंने एग्जीक्यूट किया था बैकग्राउंड में, तो वो शॉर्ट वाले कमांड की जॉब को फोरग्राउंड में ले आएगा। तो बेसिकली यही फोरग्राउंड जॉब के बारे में है। नेक्स्ट है हमारे पास बैच कमांड। तो यहाँ पे बैच कमांड और एक और यूनिक्स में हमारे पास कमांड है ऐट कमांड। तो बैच कमांड और ऐट कमांड दोनों सिमिलर है, लेकिन ऐट कमांड जो है वो बैच कमांड से थोड़ा सा बड़ा कमांड है, थोड़ा सा जो है मतलब ऐट कमांड का जो यूज़ है वही यूज़ जो है बैच कमांड का भी है। तो ऐट कमांड को हम अगले स्लाइड में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। वैसे ऐट कमांड को हमें पहले देखना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा है, इस वाले स्लाइड पे एडजस्ट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे उसको एक्सप्लेन किया है, तो उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बट बैच कमांड और ऐट कमांड दोनों सिमिलर है, बस अंतर ये है कि ऐट कमांड में हम टाइम को स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस टाइम में जा कर के वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो उस टाइम में लेट सपोज एक वीक बाद का टाइम मैंने दिया है एट कमांड में, तो एक वीक के बाद वो कमांड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट बैच कमांड में क्या है कि कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कराते हैं तो इसमें टाइम स्पेसिफाई नहीं करते हैं। जब सिस्टम के ऊपर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब वर्कलोड होता है और कोई कमांड एग्जीक्यूट नहीं होती है तो हम उसको बैच में ले जा करके उस कमांड को एग्जीक्यूट कर देते हैं, और जब सिस्टम के ऊपर बर्डन कम हो जाता है या जब सिस्टम फ्री होता है तो वो बैच कमांड क्या करता है, उस कमांड को एग्जीक्यूट करवा करके रिजल्ट आपको शो कर देता है। तो यहाँ पर बैच कमांड जो है सबमिट द जॉब व्हेन यूनिक्स इज फ्री इट एग्जीक्यूट्स द जॉब और व्हेन द सिस्टम लोड इज लाइट इट एग्जीक्यूट्स द जॉब। तो आप कोई भी जॉब सबमिट कर दो, कोई भी कमांड जॉब के साथ एग्जीक्यूट करके छोड़ दो, उसके बाद यूनिक्स जब फ्री होगा तो उस कमांड को अपने आप ही एग्जीक्यूट कर देगा, या फिर जब सिस्टम के ऊपर लोड हल्का हो जाएगा कम हो जाएगा तब भी यूनिक्स क्या करेगा अपने आप उस कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये बिल्कुल यूनिक्स में ऐट कमांड की तरह है, बट ऐट कमांड जो है बैच कमांड से सुपीरियर माना जाता है, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे। तो बैच कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या करोगे, डॉलर यूनिक्स कमांड यूनिक्स के डॉलर कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके आप बैच लिख करके सिंपली आप एंटर प्रेस करेंगे, और एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ऐड करके और ग्रेटर देन का साइन लग करके आ जाएगा। एक्चुअली ये साइन ऐड कमांड में आता है, जब आप ऐड कमांड को एग्जीक्यूट करोगे तो बिल्कुल इसी तरीके से दिखाएगा। तो यही ऐड यहाँ बैच कमांड में भी शो करता है इस तरीके से, और उसके बाद जो है बैच कमांड को एग्जीक्यूट करके उसके बाद यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर देंगे, कोई भी कमांड यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे, ls कमांड चला सकते हैं, cat कोई भी टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए cat कमांड को चला सकते हैं, कोई भी कमांड यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है ये
लाइन मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने इको कमांड के बारे में अपने वीडियो लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। तो इको कमांड को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वह आप देख सकते हैं या आपको पता भी होगा। तो मैंने क्या किया, इको लिख करके एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहा और यहाँ पर डबल रीडायरेक्ट का साइन लिख करके यहाँ पर एक फाइल का नाम दे दिया है मैंने। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा, उसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद फिर इस तरीके से आएगा, फिर मैं यहाँ पर EOT एंड ऑफ टेक्स्ट लिख करके उसके बाद कंट्रोल प्लस D करूँगा तो मैं बैच कमांड से बाहर आ जाऊँगा। अब ये बैच कमांड क्या करेगा कि जब यूनिक्स फ्री होगा तो इस कमांड को, इको कमांड को एग्जीक्यूट करके और batch.txt फाइल में हेलो आई एम अनिल नाम के स्ट्रिंग को जो है प्रिंट करके छोड़ देगा। जब हम batch.txt फाइल को चेक करेंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा हेलो आई एम अनिल। तो ये तो इको कमांड मैंने एग्जीक्यूट किया है, बट आप सिंपली जो है, लेट सपोज मैं एक कोई जो है फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो बैच कमांड लिख करके एंटर प्रेस कर दूंगा, उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा कैट। कोई भी फाइल क्रिएट करने के लिए यूनिक्स में हम कैट कमांड लिखते हैं, तो कैट लिख करके एक फाइल का नाम दे करके मैं सिंपली एंटर प्रेस कर दूंगा और एंटर प्रेस करने के बाद कंट्रोल प्लस D लिख करके जॉब कमांड से बाहर आ जाऊंगा। और यूनिक्स बाद में जब फ्री होगा तो वो क्या करेगा, एक फाइल को क्रिएट करके छोड़ देगा, उसके बाद ls कमांड से आप जा करके उस फाइल को चेक कर सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट बैच कमांड। अब नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में हम पढ़ेंगे ऐड कमांड, जो बिल्कुल इसके जैसा ही है। एक्चुअली ऐड कमांड बैच के जैसा नहीं है, बैच ऐड कमांड के जैसा है। नेक्स्ट और लास्ट कमांड है ऐड कमांड। तो आइए देखते हैं कि यूनिक्स में ऐड कमांड का क्या यूज़ है। तो दिस कमांड इज यूज टू स्केड्यूल कमांड्स टू बी एग्जीक्यूटेड वंस एट ए पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। तो ऐड कमांड का यूज करते हैं किसी भी कमांड को शेड्यूल करने के लिए। शेड्यूल इन द सेंस कि कोई भी कमांड हम अभी एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मैं इसमें एक टाइम स्पेसिफाई कर दूं और पर्टिकुलर इस टाइम पे फ्यूचर में ये कमांड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसके लिए ऐड कमांड को यूज़ करते हैं। दिस कमांड इज सिमिलर टू द नोहब कमांड। तो अपने वीडियो लेक्चर में मैंने नोहब कमांड के बारे में भी बताया है, तो आप जा करके यूनिक्स कमांड ट्यूटोरियल में जो है ढूंढ सकते हैं नोहब कमांड के बारे में, देख सकते हैं नोहब कमांड के बारे में। तो ये कमांड नोहब कमांड के बिल्कुल सिमिलर है और जो है यू कैन एग्जीक्यूट ए कमांड या शेल स्क्रिप्ट ऑन द सर्वर यूजिंग द ऐड कमांड एंड देन लॉग आउट फ्रॉम द सर्वर। तो आप जो है कोई भी कमांड या फिर कोई भी शेल स्क्रिप्ट, यूनिक्स की कोई भी प्रोग्रामिंग यूनिक्स के सर्वर पर ले जा करके आप ऐड कमांड को यूज़ करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट करके आप उस सर्वर से लॉग आउट हो सकते हैं। तो ऐड कमांड में जो भी आपने टाइम स्पेसिफाई किया है उस टाइम पे जा करके जो भी कमांड आपने लिखा है या जो भी प्रोग्रामिंग आपने लिख करके ऐड कमांड में छोड़ दी है, वो प्रोग्रामिंग उस टाइम में अपने आप ही जा करके एग्जीक्यूट हो जाएगी, इवन कि आपने सिस्टम से लॉक आउट किया हुआ है तब भी। तो वंस जॉब कंप्लीटेड सिस्टम सेंड्स यू मेल मैसेज इधर जॉब्स आउटपुट और एरर। तो जो कमांड्स या जो जॉब आपने ऐड कमांड पर लगा करके छोड़ी है, वो जॉब या वो कमांड जब कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब कंप्लीट हो जाएगी, तो आपके पास एक मेल आएगा कि आपने जो कमांड एग्जीक्यूट किया है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है
या अगर उसमें कोई एरर है तो वो एरर भी आपको मेल पे शो करेगा। तो इस तरीके से जो है एट कमांड का जो यूज़ है वो हम किसी भी कमांड या किसी भी प्रोग्राम को शेड्यूल करने के लिए करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई कमांड या कोई भी शेल स्क्रिप्ट, मतलब यूनिक्स की कोई भी प्रोग्रामिंग आज रन ना हो करके वो 15 दिन के बाद या 3:30 बजे या रात को 8 बजे वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो ऐट कमांड में हम सारी चीज़ों को स्पेसिफाई करके एंटर करके छोड़ देते हैं और उसके बाद मेल पर हमारा आ जाता है कि वो कमांड या वो प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर गया है। तो सिंपली ऐट कमांड को यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, तो आपको यूनिक्स के कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, ऐट को टाइप करना है और ऐट टाइप करने के बाद बीच में जो भी कमांड एग्जीक्यूट करना है वो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। अभी ऐट के बाद आपको टाइम लिखना है कि ऐट के बाद जो भी कमांड मैं दूंगा या जो भी प्रोग्राम का नाम लिखूंगा वो प्रोग्राम कब एग्जीक्यूट होगा, तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा 2:08 पे। 14:08 का मतलब है 2:08 पे। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा और एंटर प्रेस करने के बाद बिल्कुल इस तरीके से आ जाएगा एट और ग्रेटर देन साइन करके आ जाएगा, मतलब आप एट कमांड में घुस गए हैं। और यहाँ पर जो है आपको कमांड का नेम देना है, जो भी कमांड आपको एग्जीक्यूट करना है, जो भी प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करना है, उस प्रोग्राम का यहाँ पे नाम देना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रोग्राम है emp.sh, ये प्रोग्राम का नाम लिख करके अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करके एट कमांड से बाहर आ जाऊंगा और 2:08 पे emp.sh नाम की जो फाइल है, जो प्रोग्राम है, वो अपने आप ही जो है 2:08 पे वो फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसका मैसेज आपके पास जो है मेल के थ्रू आ जाएगा। तो ऐट कमांड में टाइम को स्पेसिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ऐट के बाद 15 लिखेंगे तो इसका मतलब 3 बजे, ऐट के बाद 5 PM लिखेंगे तो वो कमांड 5 बजे एग्जीक्यूट होगी, 3:08 पे कमांड एग्जीक्यूट होगी। सिंपली नून लिख देंगे तो नून दोपहर में वो कमांड रन हो जाएगी। और सिंपली अगर आप नाउ प्लस 1 ईयर लिखते हैं तो आज से लेकर के 1 साल के बाद भी वो कमांड एग्जीक्यूट हो सकती है, ये एट कमांड में ये फैसिलिटी दी गई है। उसके बाद थ्री ये 3:08 से लेकर के 1 दिन बाद, मतलब 3:08 के बाद पूरा 24 घंटा काउंट करके 1 दिन कंप्लीट करके कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद 15 यानी कि 3:08 पे दिसंबर 18, 2020 को कमांड एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद 9 AM टुमारो, कल सुबह 9 बजे कमांड एग्जीक्यूट होनी चाहिए। उसके बाद जो है 13:31, 1:31 से लेकर के अगले 3 महीने के बाद जो है ये कमांड एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो ये था सारा ऐट कमांड के बारे में, और ये जितना भी मैंने टाइम बताया है तो ऐट कमांड के साथ कोई भी कमांड लिख करके हम ये कोई भी टाइम उसके साथ स्पेसिफाई कर देंगे तो उस टाइम में जा करके वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है। आज से 2 साल बाद भी हम चाहें कि वो कमांड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाए तो हम 2 साल बाद का भी टाइम ऐट कमांड के साथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यूनिक्स का ये वीडियो लेक्चर मेरा यहाँ पे फिनिश होता है और अब जो है बाकी के कमांड्स को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू एंड बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।